Hello doctors, welcome to SRP Science, 11th NCRT, chapter 4th, Animal Kingdom, हम बात कर रहे थे, start किया था हमने phylum Porifera से, last video में हम discuss कर चुके हैं phylum Arthropoda के बारे में, आज हम continue करेंगे Mollusca से. इस chapter से questions बनते ही हैं, 100% है, bio में अगर आप बात करें तो एक भी चैप्टर आपके छूटने नहीं चाहिए. 11th एनसीईआरटी में 22 चैप्टर हैं और 12th के एनसीईआरटी में 16 चैप्टर हैं. आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है. फिजिक केमिस्ट्री में फिर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन बायो की अगर बात करें तो 50% वेटेज है बायोलॉजी का आपका, बॉटनी और जूलॉजी मिला के. तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सॉरी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है. और एनिमल किंगडम से कैरेक्टरिस्टिक पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है इसमें और एग्जांपल्स इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो दिया हुआ है वो सीधे सीधे याद करना है, रटना है. ओके, क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया था वो किस बेस पे किया है, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है या ए सीलोमेट या फिर स्यूडोसीलोमेट. आज हम बात करेंगे मोलस्का फाइलम की, तो ये सीलोमेट्स होते हैं, इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्ट होता है. डिटेल में हम कंटिन्यू करते हैं. मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. लार्जेस्ट फाइलम अगर पूछा जाए तो वो आपका ऑर्थ्रोपोडा है, उसके बाद जो नंबर आता है वो आपका मोलस्का का है. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब आपका स्थलीय जल में स्थल में पाए जाने वाले, और एक्वेटिक मतलब जल में पाए जाने वाले. ये जल कौन सा हो सकता है, मराइन भी हो सकता है मतलब समुद्री, और फ्रेश वाटर भी हो सकता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है. एनलिडा से आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. बायलेटरल सिमेट्री हम देख चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है. आपको यही याद ही होने चाहिए कि कहां से स्टार्ट हुआ है, कौन कैसी सिमेट्री रखता है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हो रहे हैं. सीलोमेट्स आपके सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें कि ए सीलोमेट जो है वो प्लेटी हेलमेंथिस है एंड स्यूडो सीलोमेट्स है वो इसके हेलमेंथिस है. ओके, फिर नेक्स्ट है बॉडी कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड. जैसे हमने एनिलिडा में देखा था उनकी बॉडी क्या थी, सेगमेंटेड थी, सेगमेंटेड सेगमेंट्स पाए जा रहे थे, लेकिन इनकी बॉडी कैल्केरियस शेल के द्वारा कवर्ड होती है. जैसे आप देख सकते हैं मोलस्क में स्नेल को, घोंघा, ठीक है, बारिश में आसपास नालियों के पास आपको ये दिखाई दे देंगे आसानी से. इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कैल्केरियस, कैल्शियम की बनी हुई होती है, कैल्केरियस शेल बनी हुई होती है और अनसेगमेंटेड होती है. बॉडी जो होती है इनकी कैसी होती है, हेड मस्क्यूलर, फुट होते हैं, विसरल हम्प होता है. मेंटल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. मेंटल जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, ठीक है, स्किन की एक लेयर होती है जो कि विसरल हम्प के ऊपर बनी हुई होती है. ठीक है, मतलब जो ऊपर की कवरिंग होती है, मान लो ये आपकी बॉडी है मतलब स्नेल की, एक सेकेंड, ये बॉडी की कवरिंग है, ठीक है, इसके ऊपर कैल्केरियस शीथ है. ठीक है, तो ये जो आपका कवरिंग बच रही है इस जगह को ही मेंटल बोल रहे हैं, ठीक है, और मेंटल कैविटी बोलते हैं, सॉरी इस जगह को क्या बोल रहे हैं, मेंटल कैविटी. इस जगह पे आपकी स्किन की फोल्ड पाई जाती है, इस जगह को मेंटल बोलते हैं. और मेंटल कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल, ठीक है, ये आपकी कवरिंग है और ये बॉडी है. ठीक है, तो इस जगह पे आपकी स्किन पाई जाएगी, स्किन की फोल्ड पाई जाएगी, ये स्किन की फोल्ड है आपकी मेंटल, और मेंटल और बॉडी के बीच में, हम के बीच में क्या पाया जाएगा, स्पेस जो है वो आपका मेंटल कैविटी कहलाएगा. मेंटल कैविटी में क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, किसमें, मेंटल कैविटी में फेदर मतलब पंख के जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं. ये गिल्स किसमें हेल्प करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शंस में ये गिल्स आपके हेल्प करते हैं. मेंटल क्या है और मेंटल कैविटी क्या है वो याद रखना. मेंटल कैविटी स्पेस है हम्प और मेंटल के बीच का, ठीक है, हिंदी में इसके नाम प्रवार गुहा बोलते हैं, तो हिंदी में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मेंटल और हम्प के बीच में जो कैविटी है वो आपकी मेंटल कैविटी कहलाती है. फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं. एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, इसमें इसके हेड में क्या होता है, एंटीरियर साइड पे
सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको टेंटिकल्स बोलते हैं, घोंघा जिसका नाम मैंने बोल रही हूँ, स्नेल जिसको बोला जाता है, या घोंघा नॉर्मल अपनी हिंदी लैंग्वेज में, तो घोंघा की जो सिर पे आप देखेंगे दो टेंटिकल्स रहते हैं, उसको छूने से वो बंद कर लेते हैं, सेंसरी होते हैं वो, ठीक है, मतलब संवेदनशील होते हैं, किसी प्रकार का टच करो या फिर पानी डालो या फूंक मारो, हवा दो उनको, तो उस समय वो टेंटिकल्स जो है वो सेंसेशन होती है और वो क्या करते हैं अपने आप को सिकुड़ लेते हैं अपनी बॉडी कैविटी को हम्प के अंदर, ठीक है, जो उसका ऊपर का कैल्केरियस शीत होता है उसके अंदर वो घुसा लेते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना आपको, उसके एंटीरियर हेड पे एक सेंसरी टेंटिकल्स पाया जाता है, माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, माउथ में, ये आपकी बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्टोपस की, ठीक है, माउथ में क्या पाया जाता है इसके फाइल, फाइल कैसा फाइल, आपकी कॉपी बुक वाला फाइल नहीं, ऐसी फाइल होती है जिसमें जो आरी की जैसा होता है, आरी देखा आप लोगों ने, कारपेंटर या बढ़ई जिससे लकड़ी काटते हैं उसको बोलते हैं आरी, ठीक है, तो आरी के जैसा स्ट्रक्चर होता है माउथ में, किस लिए, फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए, खाने के लिए, या अपने प्रे को या शिकार को पकड़ के खाने के लिए, इनकी माउथ में फाइल के जैसा एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेड्यूला कहा जाता है, हिंदी में भी रेड्यूला ही दिया हुआ, आरी के जैसी संरचना ऐसा बोला गया वहां पे, तो फाइल के जैसा संरचना होता है कांटेदार, इसको रेड्यूला बोला जाता है, यूजुअली ये डायोशियस होते हैं, डायोशियस मतलब आपके मेल और फीमेल अलग अलग इसमें सेक्सुअलिटी होगी, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल से भी बनते हैं, तो एग्जाम्पल और उनके जो ब्रैकेट में नाम दिए हुए हैं दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपके पास, आपको याद रखने ही है, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, एनसीईआरटी में सिर्फ पर्ल ऑयस्टर दिया है, एडिबल ऑयस्टर नहीं दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एडिबल ऑयस्टर का नाम क्या है, ठीक है, पाइला जिसको बोला जाता है एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर जिसे हिंदी में मुक्ता शुक्ति या फिर जिसे मोती प्राप्त किया जाता है, पर्ल बनाया जाता है या पर्ल उत्पादन किया जाता है, सीपिया, कटल फिश, लॉलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस जिसको बोला जाता है डेविल फिश, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश या सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल, फिर एनेक्स कीटोप्लूरा जिसको काइटोन भी बोला जाता है। एक फटाफट रिकैप करते हैं, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीरोमेट्स होते हैं, बॉडी कवर्ड होती है एक कैल्केरियस शेल के द्वारा, और बॉडी क्या है अनसेगमेंट है, सेगमेंटेशन नहीं होती बॉडी में, हेड मस्क्यूलर फुट और विसरल हम्प पाया जाता है, मेंटल क्या है एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है स्किन की जो कि विसरल हम्प के ऊपर होती है, ठीक है, तो स्किन जो है मतलब हम्प के ऊपर एक स्किन है जो मेंटल कहला रही है, अब इस स्किन और हम्प के बीच की जो कैविटी है वो है आपकी मेंटल कैविटी, इस कैविटी में क्या होता है फिदर के जैसे पंख के जैसी गिल्स होती हैं, ये गिल्स आपकी हेल्प करती है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस में, या फंक्शन का काम करती है किसका, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का, एंटीरियर हेड, एंटीरियर हेड में क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन होते हैं या फिर सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो कि कहलाता है रेड्यूला, फाइल के जैसा रेस्पिंग या काटने वाला ऑर्गन होता है रेड्यूला कहते हैं इसको, डायोशियस होते हैं मींस आपके मेल और फीमेल अलग अलग सेक्सुअलिटी होंगी, ओविपेरस अंडे देने वाले हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मतलब लार्वल स्टेज बनेगी यहाँ पे, पाइला एप्पल स्नेल, सीपिया पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, क्वेश्चन याद रखिए आपको बताना है मुझे एडिबल ऑयस्टर क्या है, सीपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, कीटोप्लूरा काइटन, एनिमल किंगडम पूरे फाइलम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मैं सभी एग्जांपल्स की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको एग्जाम्पल याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा।